मार्केट में काम कर रहा हूँ, CDMO ऑफिस साउथ ईस्ट बैठता हूँ। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जो रिपोर्ट मेरी जब से मैंने ज्वाइनिंग किया हुआ है, मतलब चाहे साउथ डिस्ट्रिक्ट में मैं पहले था और डिटेल मेरी साउथ ईस्ट में 2015 से हुई हुई है, और जब से मैंने वहाँ पे काम संभाला और काम संभालने के बाद मेरी हर एक वीकली रिपोर्ट जाती है। आप सभी लोगों को मालूम है IDSP की वीकली रिपोर्ट जाती है, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, या कोई भी सेंटर हो, MCD का कोई सेंटर हो, या NDMC का सेंटर हो, या कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल हो। वाह, तो 18 तारीख से पहले हमारे हर वीक का डाटा अगर आप पोर्टल पे चेक करना चाहेंगे तो 100% रिपोर्टिंग थी, 100% रिपोर्टिंग। और वो 18 तारीख के बाद आप देखेंगे तो अभी हमारा तीसरा वीक क्रॉस हो चुका है, तो वो रिपोर्टिंग कितना आ गया, 100 से कितना आ गया एकदम। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में अकेला हूँ IDSP में, मेरे साथ DSO है, DSO डिस्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस ऑफिसर डॉक्टर स्तुति सिंह, वो रेगुलर हैं, DHS की डॉक्टर हैं, ठीक है ना, मेडिक डिस्पेंसरी की MOIC से उनका प्रमोशन होके वो DSO बनते हैं, CDMO ऑफिस बैठते हैं हमारे साथ। तो अब वो तो नहीं रिपोर्ट डालते, रिपोर्टिंग कितनी आ गई, एकदम जीरो आ गई। तो आप खुद सोचिए, इसका अनुमान लगाइए कि सर्वाइलेंस का पूरा काम ठप हो चुका है, कि हमारे साथ हमारे और भी साथी लोग आए हुए हैं IDSP से, तो हमारे मोस्टली सारी डिस्ट्रिक्ट में जो रिपोर्टिंग जो 100% से कितने परसेंट आ गई है, जीरो। अब जो हमारे ऊपर जैसे स्टेट ऑफिस में, स्टेट ऑफिस का भी जो हमारे साथ का जो NHM का IDSP का स्टाफ है वो हमारे साथ यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे जो SPO सर हैं, जो SSO सर हैं डॉक्टर रहीजा सर, वो भी आज की डेट में बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की कोर्ट में भी हियरिंग होती है ना, सुप्रीम कोर्ट भी जवाब पूछता है, हाई कोर्ट भी जवाब पूछता है कि दिल्ली में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया का क्या स्टेटस चल रहा है। तो आप सोचिए क्या वो स्टेटस जा पा रहा है, एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर कितनी जगह पे अटेंड कर लेगा, अगर MD साहब मीटिंग में बुलाएं उनको आ जाएंगे क्या, उनको हाई कोर्ट में जाना है या सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो चले जाएंगे क्या। अभी तक क्या था, वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ था 8 लोगों का 10 लोगों का, ठीक है ना, और उसमें से सारा स्टाफ हमारे साथ यहाँ पे शामिल हो गया स्ट्राइक में, हर एक की ड्यूटी बटी हुई थी। तो अभी अभी मेरे पास फोन आया, तो अब सर गुस्सा हो रहे हैं, कह रहा है कि मैं मेमो दे दूंगा, मैं आउट कर दूंगा, ठीक है ना। अब मतलब उनके जो मतलब उनका पारा है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो मैंने अपने जो जिस साथी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला कि अब हमारा बिल्कुल यस ये टाइम आ गया कि हमें अब अपने परिणाम तक पहुँचेंगे, हमें अपना रिजल्ट मिलने वाला है, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो हमें मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जब कोई ऑफिसर जो बड़े लेवल का एडिशनल डायरेक्टर लेवल का जो अधिकारी है जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा वो क्या करेगा, जब नीचे के स्टाफ उनका कहना नहीं मानना है, हम लोग सब उनके कहने से वहाँ नहीं जा रहे हैं, ना अपने ऑफिस में जा रहे हैं, CDMO ऑफिस, हमारे DSO का भी हमारे पास फ़ोन आता है, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए। तो अब क्या होगा, ये लोग अपने अपने हायर अथॉरिटी को फ़ोन करेंगे कि सर इनका प्लीज़ काम करिए या कोई भी सॉल्यूशन निकालिए जिससे कि स्टाफ वापस काम पे लौटे। तो हम सभी लोगों को अपना धैर्य बनाए रखना है, हम लोगों को एक साथ अपनी यूनिटी के साथ यहाँ पे इकट्ठा होना है, और जब हम सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनिटी में यहाँ एक साथ बैठे रहेंगे हमारा काम 100% होगा, ठीक है, हम सबको ये विश्वास है। क्योंकि इनका जो कोई काम है, अगर मान लो ये हमसे कहते भी हैं कि हमारा कोई काम सफर नहीं कर रहा, तो हमें पता है कि इनका काम अच्छी तरह से सफ़र कर रहा है। आप सोच के देखो, अभी 2 बारिश पड़ जाएं तो डेंगू के केस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बताइए, बिल्कुल निकलेंगे, डेंगू के केस बहुत निकलेंगे, और डेंगू के केस को कंपाइल करने के लिए हम सभी लोग कंपाइल करते हैं, IDSP का स्टाफ कंपाइल करता है, जब हम MCD के पास डाटा भेजेंगे ही नहीं, अपना वीकली हमें डाटा भेजना होता है DHO के पास, डिप्टी हेल्थ ऑफिसर MCD, तो जब हम वो डाटा ही नहीं भेजेंगे तो इन लोगों को पता लग पाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कितने केस हैं, बिल्कुल नहीं पता लग पाएगा,
और इनके पास आंकड़े भी नहीं पहुंच रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आईडीएसपी का स्वाइन फ्लू की भी बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, आप सभी को पता हो H1N1 के जो केसेस निकलते हैं वो आईडीएसपी संभालता है। स्वाइन फ्लू भी बहुत आ रहा है, स्वाइन फ्लू का भी इनके पास स्टेटस नहीं निकल पा रहा है। स्वाइन फ्लू भी एकदम एक, जब सारा स्टाफ हमारे साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, स्वाइन फ्लू का स्टेटस कौन देगा? तो कोई भी डाटा की ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग हमारा काम संभालने की कोशिश करें तो उन्हें नहीं मालूम कि स्वाइन फ्लू का रिपोर्ट हमें कौन सी देखनी है, कौन से टेस्ट हम पॉजिटिव माने, मलेरिया के कौन से हम टेस्ट पॉजिटिव माने जो हमें रिपोर्ट करने होते हैं, चिकनगुनिया में हमें क्या टेस्ट जो कि हमें रिपोर्ट करना है आगे, या मान लो डेंगू के लिए हमें कौन सा टेस्ट हम, तो उनको उनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया। तो ये सारा के सारा काम एकदम स्टॉप हो चुका है आज की डेट में। और हम लोग जरूर जीतेंगे, हम सभी लोग अगर एक साथ यूनिटी के साथ खड़े रहेंगे हम लोग जरूर जीतेंगे। ना तो इनके पास वीकली डाटा शेयर हो रहा जिससे कि जो हमारे बीच में जैसे ANM और आशा वर्कर जो हम लोग वीकली डाटा भेजते थे कि घर घर जाके पेशेंट को ट्रेस करना होता था कि वाकई में ये डेंगू का पेशेंट है या नहीं है, या ये दिल्ली से बाहर का पेशेंट तो नहीं है, तो वो काम आज की डेट में बिल्कुल ठप हो चुका है, बिल्कुल ठप हो चुका है। तो आप सोचिए क्या इनका मिशन फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम जो भी अपना अपना काम करते हैं, हमारे बीच में ANM है, हमारे बीच में पैरामेडिकल वर्कर हैं, हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे बीच में हॉस्पिटल से भी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर भी आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, LT भी आ रहे हैं बहुत सारे। तो हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब हम काम करते हैं तो हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। इस टाइम पे हेल्प के लिए पहुंच रहा होगा क्या स्टाफ? बिल्कुल नहीं पहुंच रहा, बिल्कुल नहीं पहुंच रहा, और इनका काम बिल्कुल फेल हो रहा है। तो ये काम हमारा बिल्कुल बनने वाला है ये समझ लीजिए, और हमारा जल्द से जल्द 1 या 2 हफ्ते में ये हमारा काम बन जाएगा, ठीक है।